अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आईटी एंड हिस्ट्री चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताएंगे कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल का मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोबाइल का मैक एड्रेस या वाईफाई मैक एड्रेस कैसे देख सकते हैं। ये मैक एड्रेस देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप अपना मैक एड्रेस मोबाइल का चेंज करना चाह रहे हैं या इस मैक एड्रेस को स्पूफिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या अगर आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस का वाईफाई फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो ये मैक एड्रेस आपको इस इन तमाम सेंसरों के अलावा भी बड़ी मदद फराहम करेगा। तो हर मोबाइल का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, जैसे हर इंसान का एक यूनिक CNIC नंबर होता है, बिल्कुल इसी तरह हर मोबाइल का यूनिक मैक एड्रेस होता है जिसको चेंज भी किया जा सकता है प्ले स्टोर में मौजूद एप्लीकेशंस के ज़रिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी, कैसे आप अपने मोबाइल का मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस सेटिंग के लिए आपको जाना होगा जी मोबाइल की सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपने अब सबसे लास्ट में चले जाना है, अबाउट डिवाइस, अबाउट फ़ोन। ये तमाम स्मार्टफोन्स में होता है जी, आपके मोबाइल में भी अबाउट फ़ोन या मेरे मोबाइल में अबाउट डिवाइस है। इसी से रिलेटेड आपका कोई भी नाम होगा तो उस पर आपने टैप करना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन सबसे सेकेंड नंबर पर है जी, शो स्टेटस ऑफ बैटरी, यहाँ स्टेटस पर क्लिक कर दें, और यहाँ पर यह बैटरी की तमाम मालूमात के अलावा हमें एक अलहदा से मालूमात फराहम करेगा, वो है जी वाईफाई मैक एड्रेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैक वाईफाई मैक एड्रेस पर टैप कर रहे तो ये कॉपी भी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। तो ये मैक एड्रेस है, ये वाईफाई का मैक एड्रेस है, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हर इंसान का जैसा यूनिक शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, बिल्कुल इसी तरह मोबाइल का भी एक शनाख्ती कार्ड नंबर ही समझ लें। तो इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो हमारे इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।